कि हमारे बच्चे जब यूरोप जाते हैं दो रिएक्शन दो होते हैं, या तो यूरोप के माहौल में जाके इंसान ऐसा डजल होता है कहता है मैंने पाकिस्तान वापस ही नहीं आना, और एवरीबडी इज गोइंग आउट, एवरीबडी वॉन्ट्स कि यार मगरिब में अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। इकबाल के साथ भी ये फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, देखिए हम उसको बिल्डअप डिफाइन करते हैं। 1905 से 1908 तक इकबाल यूरोप जाते हैं और उनके साथ इतने हैरतअंगेज एक्सपीरियंसेस होते हैं यूरोप में कि उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इकबाल खुद कहते हैं कि मुझे यूरोप ने मुसलमान किया है। देखिए दिस इज कायद आजम मोहम्मद अली जिना, जिनको दुनिया का सबसे ज्यादा सेकुलर लिबरल मुसलमान भी कहेगा कि जी आई एक्सेप्ट कायद आजम इस्लाम जी, एंड कायद आजम इज सेइंग कि इकबाल इज द ट्रू वॉइस ऑफ इस्लाम, मुस्लिम फर्स्ट एंड अ मुस्लिम लास्ट, एंड हिज वर्स इज इमॉर्टल, इनका कलाम अब भी खत्म नहीं होगा, कभी रहेगा हमेशा, और यही बात एग्जैक्टली हम कहना चाह रहे हैं। देखिए इकबाल के साथ तो हम रिलेट कर सकते हैं बिकॉज ही कनेक्ट्स बोथ द वर्ल्ड, द ओरिएंटल एंड द वेस्ट, ये जदीद दौर है और हमारी मशरकियत है, हमारी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, दीन, आबरू, इज्जत, इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इकबाल वॉज नाइदर अ सेक्युलर वेस्टर्नाइज डार्विनिस्ट, नाइदर ही वॉज अ तंग नजर मुल्ला कि जो दीन के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जिस तरह हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां एक माइंडसेट ये बन गया है कि मीडिया ने हमें दो चॉइसेस दी हैं कि या तुम जॉर्ज बुश को लो या तुम बैतुल्ला महसूद को लो, बिल्कुल, एंड बीच में कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिस इज वेयर वी वॉन्ट टू रिजिस्ट, दिस इज वेयर वी आर कमिंग इन, नो दे आर द टू एक्सट्रीम्स, वी रिजेक्ट बोथ, और हम उस इस्लाम को लेकर आ रहे हैं कि जिसने अंदलुसिया की तहजीब बनाई थी, जिसने खिलाफत उस्मानिया का उरूज बनाया था, जिसने बगदाद और दमिश्क में वो सिविलाइजेशन क्रिएट की थी जहां पूरी दुनिया के तहजीब और इंसानियत सीखती थी, जहां पर जुल्म नहीं था, टॉलरेंस था, मोहब्बत थी, प्यार था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी, औरतों की तालीम भी थी, बाग भी थे, आर्ट्स एंड कल्चर्स भी थे, जहां पे वो सिविलाइजेशन थी जिनको आज दुनिया बेंचमार्क बना के कहती है कि तहजीब देखनी है तो इनको देखो, कर्तबा में जाओ, अंदलुसिया को देखो, और बगदाद को देखो, और शाम को देखो। सो इकबाल इज दी गाइडिंग लाइट हु बैलेंसेज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, द मॉडर्न एंड द ओरिएंटल एंड द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट। हम चाहेंगे कि आप यहां पे एन मैरी श्मेल को भी कोट कर सके, अगर 20वीं सदी की ग्रेटेस्ट ओरिएंटलिस्ट एन मैरी श्मेल है, जो मगरिब की तरफ से जिन लोगों ने इस्लाम को या मशरक को स्टडी किया है, एन मैरी श्मेल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड एज यू सेड जो पाकिस्तान आती थी हमारे साथ उनका वक्त गुजरता था और हम बैठ के इकबाल पर बात करते थे, एंड व्हेन शी गिव दिस सर्टिफिकेट टू इकबाल आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दिस।